दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा YouTube Studio जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको यूज करना, बिल्कुल बारीकी से बताऊंगा दोस्तों, उसके हर एक फंक्शन के बारे में आपके लिए बताऊंगा और उससे अपने चैनल को कैसे ग्रो कर सकते हैं उसमें भी बताऊंगा। तो मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है दोस्तों, अगर आप बाकी सीखना चाहते हैं, यूट्यूब में कामयाब होना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मेरी काफी ज्यादा मेहनत लगी हुई है और मैंने बहुत अच्छे समझने की कोशिश की हुई है। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए YouTube Studio कंप्लीट सिखाऊंगा, किस ऑप्शन का क्या मतलब होता है और उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों इस वीडियो को विदाउट स्किप करें पूरा देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों को करना क्या होगा, आपको यहाँ गूगल प्ले स्टोर पर यहाँ पर आपको सर्च करना होगा YouTube Studio। ध्यान से देखिएगा YouTube, ये लिखेंगे YouTube Studio Studio, इसको सर्च कीजिएगा। जब आप सर्च करेंगे दोस्तों आपके सामने ऐसा ऑफिशियल एप्लीकेशन आएगा, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेरे मोबाइल में इंस्टॉल है तो मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, तो इसको आप दोस्तों आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल कर लेने के बाद दोस्तों आपको इसको ओपन करना होगा, थोड़ा सा वेट करेंगे अपन। ये मेरे मोबाइल में ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल था तो अपडेट नहीं करा था किसी कारण से, तो अपडेट मांगा था, अपडेट कर लिया मैंने। तो आपको दोस्तों सीधा इसको इंस्टॉल कर लेना है और इसको इंस्टॉल कर लेने के बाद आपको इसको ओपन कर लेना है। जिसको आप ओपन करेंगे दोस्तों मैं आपको बताऊँ, आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा आपके यूट्यूब चैनल अकाउंट से। मैं इसमें ऑलरेडी लॉगिन कर चुका हूँ तो इसलिए लॉगिन नहीं मांगा है। तो आपको जिस नाम से आपका जिस आईडी से आपका यूट्यूब चैनल है उसी आईडी से आपको इस पर लॉगिन करना होगा, मतलब जो आपकी ईमेल आईडी है, जो पासवर्ड है वो डालना होगा, फिर आपको दोस्तों चैनल ऐसा खुल जाएगा। अब आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको ऐसा पेज देखने को मिलेगा लॉगिन करने के बाद, यहाँ लिखा होगा डैशबोर्ड। डैशबोर्ड है ना दोस्तों, आप दिख रहा है नीचे आपको चैनल का नाम दिख रहा होगा, लोगो दिख रहा होगा और आपके सब्सक्राइबर कितने हैं वो दिख रहे होंगे। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा ये मेरा दूसरा चैनल है अंकित मैजिक इंटरटेनमेंट टीवी, इसे मैजिक सिखाता हूँ, पहले मैजिक करके दिखाता हूँ फिर सिखाता हूँ। अगर आप लोग मैजिक में इंटरेस्ट रखते हो तो आप देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग मैजिक चैनल पड़े हुए, आप सर्च कर लीजिएगा। अब दोस्तों अपन बात करेंगे इसे पूरे फंक्शन के बारे में। दोस्तों आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ एनालाइज है ना, उसमें लिखा है लास्ट 28 डे है दोस्तों, उसके नीचे आप देखिए लिखा हुआ वॉच टाइम मिनट व्यूज सब्सक्राइबर चेंज और यूअर मतलब रेवेन्यू है ना दोस्तों, ये लिखा हुआ है। तो आप ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो एनालाइज लिखा हुआ है ओनली 28 डे का ये आपको बता रहा है, मतलब आपको 28 दिन में इतने मिनट आपको वॉच टाइम मिला हुआ है, मतलब 16,900 मिनट आपके लिए 16,900 मिनट आपके लिए वॉच टाइम मिला है और 15,200 आपको व्यूज़ मिले हैं समथिंग, और सब्सक्राइबर आपके 150 के समथिंग सब्सक्राइबर बढ़े हुए हैं और समथिंग $0.48 की आपकी अर्निंग हुई हुई है ये 28 दिन के अंदर अंदर। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब दोस्तों यहाँ दीजिए देखिए नीचे आप आइए, इस पर लिखा हुआ है लेटेस्ट वीडियो परफॉर्मेंस। दोस्तों यहाँ हमेशा वो वीडियो दिखाती है जो अपने डाली होती है, मान लो अपन ने आज कोई वीडियो डाली हुई है जो नई वीडियो है, सिर्फ जहाँ सिर्फ वो नई वीडियो ही दिखाई देगी दोस्तों है ना। अब आप नीचे आइए, सब वीडियो अपनी दिखाई रही है, नीचे आपको कमेंट देखने को मिल रहे होंगे लोगों के। अब मैं आपके लिए बारीकी से पूरा समझाता हूँ कि आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ आपको देखने को मिलेगा एक ऑप्शन 3 डॉट का, आप ध्यान दीजिए 3 डॉट का ये देखने को मिल रहा है। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे एक ऑप्शन आ रहा है डैशबोर्ड का और एक आ रहा है वीडियोज़ का और एक आ रहा है प्लेलिस्ट का, एक आ रहा है कमेंट्स का और एक आ रहा है एनालिटिक्स का है दोस्तों, आपको 5 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। और आप दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक आपका जो प्रोफाइल का लोगो बना रहा है यूट्यूब चैनल का, उसके बगल में एक बिंदी राखी बनी है, इस पर एक नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब उसमें कमेंट होती है, जैसे कोई व्यक्ति कमेंट करता है कमेंट दिखाई देती है, कमेंट किसी ने करा हुआ है आपका आधार जी है दोस्तों, इस तरीके से कमेंट दिखाई देती है यहाँ पर ना आपको। अब जैसे कोई भी कमेंट करता है यहाँ पर दिखाई देती है अपन को, और इसमें दोस्तों क्या है आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है। अब जैसे मान लीजिए आपकी वीडियो पर किन किन लोगों ने कमेंट करा हुआ है तो अपन देख नहीं पाते, तो आप ना दोस्तों कमेंट पर क्लिक करेंगे ना तो आपको जितने भी लोग आपको कमेंट करी होंगी ये चैनल पर, वो सबकी आपको कमेंट यहाँ पर देखने को मिलेंगी, उनको आप जाके यहाँ से लाइक भी कर सकते हैं, रिप्लाई भी कर सकते हैं, रिप्लाई भी क्लिक करेंगे तो आप रिप्लाई भी कर सकते हैं, व्यू रिप्लाई पर जाकर इन सबको आप रिप्लाई भी कर सकते हैं दोस्तों, ऐसे रिप्लाई कर सकते हैं लिख के, यहाँ रिप्लाई कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सभी कमेंट देख सकते हैं, मतलब एक ही साथ जितनी भी आपकी चैनल पर कमेंट हुई हुई है सभी कमेंट आप यहाँ पर कमेंट में देख सकते हैं दोस्तों। आपको ध्यान दीजिए यहाँ पर 3 रुपये क्लिक कीजिए, सेकंड आपका ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों आपके लिए प्लेलिस्ट का। प्लेलिस्ट का मतलब ये दोस्तों आपने जितनी भी प्लेलिस्ट बनाई हुई है यूट्यूब चैनल पर, जैसे आपने अलग कैटेगरी के अपने अलग प्लेलिस्ट बना रखी है तो सबसे प्लेलिस्ट देखने को मिलती है आपको, आप देख सकते हैं ये पूरी प्लेलिस्ट है दोस्तों है ना। अब दोस्तों हम बात करेंगे मेन ऑप्शन की अपने है ना, ये जो अपना मेन ऑप्शन है वो है अपना एनालिटिक्स का। पहले आपके लिए दिखा देता हूँ वीडियो, ये वीडियो पर क्लिक कीजिए, ये वीडियो में आप देखेंगे दोस्तों कि आपने जितनी वीडियो अपलोड की हुई है वो सब वीडियो आप यहाँ देख पा रहे हैं। अब दोस्तों पहले आपको बताऊंगा कि यहाँ से अपन वीडियो में टैग कैसे लगाते हैं, थंबनेल कैसे लगाते हैं, नाम कैसे लिखते हैं और डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं। एग्जाम्पल दोस्तों ये वीडियो पड़ी हुई है शेड्यूल में है ना, इसमें क्लिक करूँगा।
आपके लिए पूरा समझाता हूँ। अभी वीडियो पर क्लिक करेंगे आप दोस्तों, आपके सामने ऐसा खुलेगा। देखिए दोस्तों ऐसा खुल जाएगा, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, यूट्यूब का एक आइकन बना आ रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे दोस्तों तो ये वीडियो सीधी प्ले होना चालू हो जाएगी। यूट्यूब पर जाकर ये वीडियो चालू हो जाएगी, सिर्फ आपको दिखाई देगी दोस्तों। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे एक बटन दिया हुआ शेयर का, इसका मतलब दोस्तों अगर इस वीडियो को शेयर करना चाहते हैं आप इसकी लिंक भी कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से लिंक कॉपी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर सेंड करना, फेसबुक सेंड करना, कहीं भी सेंड करना, यहाँ से शेयर कर सकते हैं। अब दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ पे एक बटन दिया हुआ पेंसिल का, ये पेंसिल दिख रहा है, इसका मतलब एडिट है। इस पर आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो आप देखेंगे आपका वीडियो पूरा खुल जाएगा, इसमें एडिटिंग के लिए खुल जाएगा, मतलब नाम वगैरह चेंज करना हो तो। अब दोस्तों ध्यान दीजिए अब इसमें ये है टाइटल, यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं आपकी वीडियो का, जो आपको नाम लिखना हो टाइटल में कुछ भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम ध्यान देखेंगे एक उसके नीचे आपको देखने को मिल जाएगा पेंसिल, ये दिख रहा है ये पेंसिल दोस्तों, ये पेंसिल पर क्लिक करेंगे तो ये डिस्क्रिप्शन बोलते हैं इसको, यहाँ पे अपनी वीडियो के बारे में डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, यहाँ पे अपनी हिस्ट्री भी लगा सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे एक दोस्तों लिखा हुआ है शेड्यूल, एक्चुअली ये क्या है दोस्तों, ये पब्लिक है, ये अनलिस्टेड है, प्राइवेट है, शेड्यूल है। तो दोस्तों पब्लिक का मतलब होता है पब्लिक हम वीडियो करते हैं तो उसका मतलब होता है कि अपनी वीडियो सभी लोग देख सकते हैं, अपन अपलोड की पब्लिक कर दी तो उसको सभी लोग देख सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन दोस्तों ये है अनलिस्टेड का, इसका मतलब होता है कि अपन अगर इसको कर देते हैं तो अपनी वीडियो की लिंक अपन जिन लोगों को देते हैं सिर्फ वही लोग उसको देख पाते हैं, आम पब्लिक उसको नहीं देख पाती। और तीसरा जो ऑप्शन आपको दिख रहा है प्राइवेट का, तो इसका मतलब ये दोस्तों अगर आपने कोई वीडियो अपलोड कर दी है, अपलोड कर देने के बाद अगर आप उसको प्राइवेट कर देते हैं तो वो सिर्फ वीडियो लॉक रहेगी, सिर्फ आप ही देख पाएंगे, उसके अलावा कोई भी नहीं देख पाएंगे। और तीसरा जो आपको ऑप्शन दिख रहा है चौथा शेड्यूल, शेड्यूल का अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको डेट देखने को मिलती है, डेट ये देखिए डेट पर क्लिक करेंगे आप, ये टाइम देखने को मिल रहा है 12 PM है ना AM, तो यहाँ टाइम सेट करेंगे दोस्तों आप, टाइम सेव करने के बाद इसको शेड्यूल कर देंगे। इसका मतलब दोस्तों ये होता है, मतलब आपने आज वीडियो अपलोड की है, अपलोड कर दिया आपने, अब मैं चाहता हूँ वीडियो अपलोड तो होगी लेकिन मैं उस वीडियो को कल निकालना चाहता हूँ, तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे टाइम सेट कर सकते हैं शेड्यूल में जाकर, जैसे कि कल 16 तारीख के 16 पर क्लिक कर देंगे आप, है ना, टाइम पे क्लिक कर देंगे, फिर टाइम जितना है आपको निकालना 1 बजे 2 बजे उस पर क्लिक कर सकते हैं, क्लिक करने के बाद मिनट भी सेट कर सकते हैं आप, ओके भी क्लिक कर देंगे, है ना। इसका मतलब है कि दोस्तों आपकी जो वीडियो है ना टाइम डाला हुआ है उसी डेट पर उसी टाइम निकलेगी, और ये बहुत जरूरी होता है अगर आप यूट्यूब पर वर्क कर रहे हैं तो आपको हर किसी टाइम पर वीडियो अपलोड नहीं करना है, आपको उसी टाइम पर वीडियो अपलोड करना है जिस टाइम आपकी रोज वीडियो निकल रही है। जैसे कि मान लीजिए तो आपके देखने वाले आपकी जो वीडियो देखते हैं काफ़ी लोग देखते हैं तो वो आपको हर किसी टाइम खुल के ही देखेंगे, अगर अपना एक टाइम बना लेंगे अभी से मान लो आप रोज डाल रहे हैं वीडियो और आप रोज 12 बजे निकालते हो तो काफ़ी आपके व्यूज़ बढ़ जाते हैं उससे, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता होता है कि भाई ये वीडियो अपनी ये बंदा रोज 12 बजे वीडियो निकालता है, इसके बाद चैनल विजिट करें देखें आज इसने क्या निकाला है। आपका कोई टाइम शेड्यूल ही नहीं है, आप कभी 1 बजे निकाल रहे हैं, कभी 2 बजे निकाल रहे हैं, कभी 4 बजे निकाल रहे हैं, जब बने तब निकाल रहे, तो ये बिल्कुल बेकार है। तो इसलिए हमेशा वीडियो पब्लिश करने से पहले उसको शेड्यूल करें और एक निर्धारित टाइम पर ही उसको अपलोड करें। दोस्तों आप देखेंगे नीचे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा फिर, ये प्लेलिस्ट का है, जो अपन प्लेलिस्ट बनाते हैं तो अपने मान लो 3-4 प्लेलिस्ट बना रखी तो आपकी जिस भी कैटेगरी की वीडियो है उस प्लेलिस्ट में आप यहाँ डाल सकते हैं। आप नीचे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टैग का ऑप्शन दोस्तों, ये आपको जो टैग दिख रहा है मैंने वीडियो में टैग लगाए हुए हैं, यहाँ से आप वीडियो में यहाँ पे लिख के टैग लगा कुछ भी इंटर मारेंगे तो वीडियो में टैग लगते जाएंगे, ये टैग के लिए है दोस्तों। आप ध्यान दीजिए आप दोस्तों इसमें आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है साइड में मोनेटाइजेशन, है ना। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा ये जो ऑप्शन है ये सिर्फ उन्हीं चैनल पे अवेलेबल रहेगा जिनके चैनल पे YouTube द्वारा मोनेटाइजेशन इनेबल कर दिया गया है, है ना दोस्तों। तो आज जैसे मान लो आपके 1000 सब्सक्राइबर नहीं है, आपको 4 घंटे का वॉच टाइम अवेलेबल नहीं है और आपने अवेलेबल नहीं करा हुआ है तो आपके मोबाइल में ऑप्शन नहीं दिखाई देगा, लेकिन फिर भी आपके लिए इसकी जानकारी होना चाहिए। दोस्तों देखिए इसमें लिखा हुआ मोनेटाइज ऐड, इसको अगर बंद कर देंगे तो आपकी वीडियो पर ऐड नहीं चलेंगे, इसको ओपन कर देंगे तो आपकी वीडियो पर ऐड चलेंगे दोस्तों। अब अपने ध्यान दीजिए इसमें लिखा हुआ ऐड फॉर्मेट, ठीक है दोस्तों, ये ओवरवे ऐड, स्पॉन्सर कार्ड, स्क्यूबल ऐड और नॉन स्क्यूबल ऐड। दोस्तों आप बताना चाहूँगा इन सभी के मतलब आपको बता देता हूँ, आप देख सकते हैं कि जो आपको इसमें एग्जाम्पल के लिए एक थीम टाइप ही दिख रही है लाल लाल, तो वो सब ऐड है दोस्तों। तो ये ऐड कैटेगरी टाइप है कि अपनी वीडियो में आप कौन कौन से ऐड लगाना चाहते हो, इनको इनेबल कर देंगे तो आप फिर वीडियो में उस टाइप के ऐड चलेंगे दोस्तों, ठीक है। उनसे दोस्तों एक और नीचे लिखा हुआ है ऐड ब्रेकर्स, तो इसमें आप ध्यान दीजिए इसमें लिखा है बिफोर द वीडियो आफ्टर द वीडियो, इनका मतलब दोस्तों ये है, जैसे मान लीजिए जब हम कोई भी वीडियो यूट्यूब प्ले करते हैं, है ना, तो स्टार्टिंग में ऐड आता है और जब वीडियो खत्म होती है उसके बाद ऐड आता है, जिसमें से आपको अगर पहले रखना हो तो पहले रख सकते हैं, बाद में रखना तो बाद में रख सकते हैं, और अगर आपको दोनों टाइम रखना हो पहले भी बाद में तो आप दोनों को इनेबल कर सकते हैं, इसका मतलब ये दोस्तों समझ गए होंगे आप। अब दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा एडवांस सेटिंग का, तो यहाँ आप ध्यान देखेंगे दीजिए इसमें लिखा हुआ कैटेगरी। अब दोस्तों होता क्या है, मान लीजिए मेरा जो चैनल है मैजिक का, तो मैजिक किस कैटेगरी में आता है, इंटरटेनमेंट में।
जैसे मान लो सॉन्ग का चैनल है वो किस में आएगा, एंटरटेनमेंट में आएगा, मूवी एंटरटेनमेंट में आएगा। दोस्तों इसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ सब कैटेगरी दी हुई है। कॉमेडी, जैसे मान लो आपने कोई कॉमेडी की वीडियो बनाई है तो आपको करना क्या होगा, इस पर क्लिक करना होगा कैटेगरी पर, तो आपको कॉमेडी भी सेलेक्ट कर देना है। अगर मान लो आपने कोई एजुकेशन वाली वीडियो बनाई है पढ़ने लिखने वाली, तो आपको एजुकेशन पर क्लिक कर देना है। अब मान लो आपने कोई इंटरटेनमेंट वीडियो बनाई है जादू की या कुछ शिकार है कुछ, मतलब अच्छा लोगों को मतलब इंटरटेनमेंट कर रहा है, तो उसके लिए आप इस पर क्लिक करेंगे और आप कर देंगे क्लिक किस पे, इंटरटेनमेंट पे। आप तो ध्यान दीजिए इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कॉमेडी, एजुकेशन, इंटरटेनमेंट, फिल्म एंड एनिमेशन, गेमिंग, हाउ टू स्टाइल, म्यूजिक, न्यूज एंड पॉलिटिक्स, है ना दोस्तों। मतलब न्यूज एंड पॉलिटिक्स मतलब अब जो न्यूज देखते हैं ना उसके लिए होता है ना। पीपल एंड ब्लॉग, ब्लॉग मतलब दोस्तों क्या होता है, जो अपन कहीं घूमने जाते हैं कुछ शूट करें कुछ तो भी डाल देते हैं उसका मतलब ब्लॉग होता है। साइंस टेक्नोलॉजी मतलब है ना दोस्तों ये टेक टाइप के चैनल होते हैं उनके लिए होता है। स्पोर्ट मतलब जो अपन खेल कूद वाला अपना चैनल होता है कुछ जानकारी देना है अपन स्पोर्ट के बारे में, तो ये स्पोर्ट्स के लिए है। और टेबल एंड इवेंट्स देख आप देख सकते हैं, जैसे आप कोई टेबल्स कर रहे हैं इवेंट का कोई चैनल तो उसके लिए आप क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। बाकी सब इसमें दिए हुए म्यूजिक मतलब जो डांस वांस की वीडियो होती है ना उसके लिए, तो इस तरीके से कैटेगरी होती है। तो आपके जिस भी कैटेगरी के चैनल है तो आप उस कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। अब तो आप नीचे देखेंगे दूसरा ऑप्शन, इसमें लिखा हुआ है लाइसेंस एंड एग्रीमेंट ओनरशिप। इसका मतलब दोस्तों ये है कि देखो आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे एक लिखा हुआ है स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, मान लीजिए कि आपकी वीडियो पर सिर्फ आपका ही अधिकार है, उस वीडियो को कोई भी बंदा उसको यूज नहीं कर सकता यूट्यूब पे, अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे दोस्तों। ठीक है, मतलब वो वीडियो कोई बंदा इसको यूज करेगा आपकी वीडियो को, अगर थोड़ा सा भी आपकी वीडियो को लेगा 30 सेकंड की ऊपर की 6 सेकंड की ऊपर की, वो यूट्यूब टर्म्स एंड कंडीशन के साथ लगा रहता है भैया तो। लेकिन अगर जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस पे, तो अगर कोई भी बंदा आपकी वीडियो को लेता है तो आप उस पर कॉपीराइट लगा सकते हैं, इसका मतलब ये होता है। और दूसरा दोस्तों ये होता है कि देखिए दूसरा क्रिएटिविटी कॉमन्स है ना, इसका मतलब होता है कि जैसे मान लो आपने भी वीडियो डालनी है लेकिन आप खुद लोगों को अनुमति दे रहे हैं कि भैया मेरी वीडियो अपने चैनल पर डालो, डाल सकते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका मतलब ये होता है। तो आप जैसा भी आप चाहते हो आपकी इच्छा है कि भाई आपकी वीडियो कोई भी कॉपी ना करे, तो उसके लिए यूट्यूब स्टैंडर्ड लाइसेंस पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो कोई भी बंदा यूज कर सके कहीं भी डाल सके आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप क्रिएटिविटी कॉमन्स लाइसेंस पर क्लिक कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा है ना दोस्तों। अब दोस्तों नीचे आइए, इसमें लिखा हुआ ऑडियंस है ना, इसमें लिखा हुआ है इस दिस वीडियो मेड फॉर किड्स। अब तो ध्यान दीजिएगा YouTube की कुछ टाइम पहले एक पॉलिसी आई हुई है जिसमें YouTube ने बताया हुआ है कि आप अपनी वीडियो में किड्स को वगैरह को यूज नहीं कर सकते हो, है ना, उस पर काफ़ी कमेंट दिए जाएंगे। अगर आपने इस्तेमाल किया हुआ है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर क्लिक करना होगा इस पर नो, इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आपने अपनी वीडियो में बच्चे का इस्तेमाल करा है, जो बच्चा है 15 साल से छोटा है, तो आपको एस पे क्लिक करना होगा, नहीं कराया क्लिक आपने, मतलब आपने यूज नहीं कराया बच्चे का और ना ही आपने कोई बच्चे के बारे में कुछ जानकारी दी है, तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। और ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आपने बच्चे के बारे में कोई जानकारी दी हुई है या बच्चे का इस्तेमाल कर रहा है तो इसमें ना एस पे क्लिक कीजिएगा। तो नीचे आइए, यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए डू यू वॉन्ट टू, है ना एज, मतलब दोस्तों ये मान लीजिए जैसे आपकी इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है एज रजिस्टर्ड माई वीडियो फॉर अवर एटी। दोस्तों इसका मतलब है जैसे मान लीजिए आपकी वीडियो कोई ऐसी है वर्गर है हॉट है ना, जो मतलब आम लोगों के लिए आपने कुछ मतलब अलग टाइप का दिखाया हुआ है, सेक्सुअल कंटेंट है आपका थोड़ा बहुत, या आपने कुछ एक्सीडेंट टाइप के दिखाए हुए हैं वीडियो में, या कोई मर्डर टाइप का इस टाइप कोई सीन अगर आपकी वीडियो में है, तो इसको आपको दोस्तों आपको 18+ पे क्लिक करना होगा, एस 18+ माई एट व्यूवर्स 18 है उसको, अगर नहीं करना तो आपको नो पे क्लिक कर देना। सिंपल सा मतलब ये दोस्तों कि अगर आपने कोई गंदी चीज़ आपकी वीडियो में दिखाई हुई है, या कोई सेक्सी सीन दिखाए हुए हैं, बोल्ड दिखाए हुए, नूडी सीन दिखाए हुए, या आपने मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट वीडियो डाल दिया है बना के आपने दिखाया हुआ है, या किसी के बारे में विस्फोटक सामग्री बनाई हुई है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है आपको एस पे, और नहीं बनाई हुई है तो आपको नो पे क्लिक कर देना है ना दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों हाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कमेंट अलाउड यूजर कैन व्यू रेटिंग फॉर दिस वीडियो, है ना। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत ध्यान से ध्यान दीजिएगा, और नीचे एक ऑप्शन दिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शन, मैं आपको समझा देता हूँ इसका मतलब क्या है। अलाउ कमेंट का मतलब दोस्तों ये कि आपकी वीडियो पे कोई भी बंदा कमेंट कर सकता है कहीं से भी, ठीक है, अगर इसको आप अलाउ रखते हैं। अगर इसको बंद कर देंगे आप दोस्तों, तो आपकी वीडियो में कमेंट कोई भी नहीं कर पाएगा, सिर्फ वीडियो लोगों के लिए दिखाई देगी, कमेंट का ऑप्शन नहीं आएगा, लाइक डिसलाइक सब कर सकते हैं लेकिन कमेंट का ऑप्शन नहीं आएगा। इसको अलाउ कर देंगे तो कमेंट भी कर पाएगा। अब दोस्तों नीचे देखिए, इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है यूजर कैन व्यू रेटिंग फॉर दिस वीडियो। रेटिंग का मतलब दोस्तों होता है कि अपनी वीडियो पर जो डिसलाइक लाइक डिसलाइक होते हैं उसका मतलब होता है रेटिंग। अगर इसको आप बंद कर देंगे तो आपकी वीडियो में मान लीजिए दोस्तों ना ही कोई लाइक कर लाइक डिसलाइक तो कर पाएंगे, काउंटिंग सो नहीं होगी कि कितने आपके लाइक हैं कितने डिसलाइक हैं, ये पता नहीं चलेगा, लाइक और डिसलाइक के ऑप्शन रहेंगे, है ना दोस्तों। अब इसमें एक ऑप्शन मिलेगा आपके लिए, है ना, ये आप देख सकते हैं
तो हाँ, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ है, इसका मतलब तो ये होता है जैसे आपकी वीडियो आप चाहते हैं कि लोग उसको शेयर करें, जैसे किसी सोशल मीडिया साइट पर कोई दिक्कत, तो उसमें क्या होता है, इसको हम बंद कर देंगे तो आपकी वीडियो में कोड होता है जिससे थ्रू क्या होते हैं, वीडियो अपनी किसी भी वेबसाइट पर अपनी इनेबल हो जाती है एक HTML कोड के थ्रू। तो अगर इसको आप बंद कर देंगे, कोई भी बंदा आपकी वीडियो को अपनी वेबसाइट पर पोस्ट नहीं कर पाएगा, अगर आप नहीं चाहते ऐसा तो इसको इनेबल कर दीजिएगा, और इसको बंद कभी मत रखिएगा दोस्तों, क्योंकि इससे फ़ायदा अपने लिए होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो अलग वीडियो बनाते हैं तो अपनी वीडियो का इस्तेमाल करके अपनी वेबसाइट पर लगा देते हैं, उससे अपने लिए फायदा होता है, उनके लिए भी होता है अपने लिए भी होता है, क्योंकि उनकी वेबसाइट पर लोग वेट करते हैं तो वहाँ पर वीडियो देखते हैं, अपने व्यूज और वॉच टाइम दोनों बढ़ते हैं। अब मैं सबको बता देता हूँ इन तीनों ऑप्शन का सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मतलब कब अपन को जरूरत पड़ती है। तो उसे मान लीजिए आप कोई वीडियो बनाइए, उस पर कोई गंदी संदी कमेंट लोग कर रहे हैं, खूब सारी गालियाँ बक रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपका ये ऑप्शन काम में आता है अलाउ कमेंट वाला, इसको ऑफ कर दीजिए तो कोई भी गंदी कमेंट आपकी वीडियो में दिखाई नहीं देंगी दोस्तों। खूब सारी कमेंट नेगेटिव नेगेटिव आ रही है, पॉजिटिव कोई भी नहीं आ रही, तब इसको आप बंद कर सकते हैं। और दूसरा दोस्तों ये देख सकते हैं यूजर्स कैन व्यू रेटिंग फॉर दिस वीडियो, इसका मतलब ये दोस्तों मान लीजिए आपने कोई वीडियो बनाई जिस पर लाइक से ज़्यादा डिसलाइक आ रहे हैं, मतलब एक दो लाइक पड़े हो, 15-20-50-100 डिसलाइक पड़े हैं, हजारों हजारों में डिसलाइक पड़े हुए हैं, 100-200 आपके लाइक पड़े हैं, तो उस कंडीशन में आप इसको लाइक को बंद कर सकते हैं। यूजर कैन व्यू रेटिंग दिस वीडियो को आप ऑप्शन को बंद कर देंगे तो वीडियो के लाइक और डिसलाइक शो नहीं होंगे, सिर्फ उस पर लोग अपनी लाइक और डिसलाइक मार पाएंगे, लेकिन शो नहीं होगा कितने डिसलाइक है कितने लाइक है। ठीक है दोस्तों, ये कन्फर्म पूरा मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे इसका बता दिया है, इसका बता दिया है, इसका बता दिया। अब दोस्तों अपन बात बात करते हैं दूसरी चीज़ की, अब मैं इसको सेव नहीं करूँगा, डिस्कार्ड कर दूँगा, क्योंकि मैं इस ओनली सेव करके रखा हुआ है। अब दोस्तों अपन बात करेंगे दूसरे ऑप्शन की, ठीक है। अब याद आते हैं अपन दोस्तों, यहाँ देखिए, यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे एक सर्च का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से दोस्तों कोई भी वीडियो आपकी उस चैनल पर पड़ी हुई है तो आप उसका आप नाम सर्च करके वो वीडियो यहाँ पे सबसे ऊपर लेके आ सकते हैं दोस्तों, ना तो ये चीज़ हो गई। अब दूसरा आप ध्यान दीजिए, इसमें एक ऑप्शन दिख रहा है आपके लिए माई आल वीडियो, तो हाँ देखिए यहाँ पे जैसे मान लो आपके चैनल पे काफ़ी सारी वीडियो प्राइवेट हैं, अनलिस्टेड हैं और डिफ़ॉल्ट में पड़ी हुई हैं, जो आपकी अपलोड हो गई हैं और किसी कारण से आपने पब्लिश नहीं करी हैं तो वो डिफ़ॉल्ट में जाती हैं। तो आप डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी सारी वीडियो डिफ़ॉल्ट की जाएंगी, है दोस्तों। अगर आपकी जितनी वीडियो प्राइवेट है तो प्राइवेट की रहेंगी, है ना। तो अगर ऐसा फ्लैट जितनी है मान लो आपकी 50 वीडियो है और 50 वीडियो में से आपकी 10 वीडियो प्राइवेट आपने करके रखी हुई है, लेकिन चैनल पर आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं कहाँ कहाँ की वीडियो आपको देखने में दिक्कत आ रही है, तो प्राइवेट पर क्लिक करेंगे तो सभी वीडियो आपकी ओनली प्राइवेट वाली ही शो होंगी और कोई भी शो नहीं होंगी, इसका मतलब ये है दोस्तों, है ना। अब दोस्तों ध्यान करेंगे अपन, यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, है ना, ध्यान दीजिए ये 3 बिंदी देखने को मिल रही नीचे, इसके ऑल वीडियो के नीचे आपको 3 बिंदी देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मोस्ट रिसेंट और मोस्ट व्यूवर्ड, इन दोनों का मतलब दोस्तों ये है कि जैसे कि आप इस पर क्लिक करेंगे मोस्ट व्यूड पे, है ना, तो आपकी सबसे ज़्यादा चली हुई वीडियो ऊपर देखने को मिलेगी आपको, आप देख रहे हैं 14,01,315 जो जितनी वीडियो सबसे ज़्यादा चली हुई हैं आपकी, तो ये आपको वहाँ से शुरू करेगा, जैसे कि जो आपकी कितनी जैसे आपकी आपकी 10 वीडियो में से एक वीडियो बहुत चली है, फिर दूसरी कम चली है, तीसरी कम चली है, तो उस तरीके से यहाँ शो करने लगा, मतलब ज़्यादा वीडियो जो चली हुई है ना वो पहले आ गई हैं, उस पर आप क्लिक करेंगे तो यह जो दोस्तों ये है कि जो आपकी रिसेंट डली हुई है ये वो वाली वीडियो दिखाता है, कि मतलब जो आपकी अभी अभी डलती आ रही लाइन से ये सब वो वीडियो है। ठीक है दोस्तों, ये पूरे समझ गए होंगे आप। अब दोस्तों हम बैक आ जाते हैं, बैक आने के बाद आपको बताएंगे थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे, अपन ने इस पूरा समझ लिया है ना, कमेंट का समझ लिया, पेज का समझ लिया, वीडियो का समझ लिया और डैशबोर्ड का समझ लिया। अब दोस्तों अपन बात करेंगे एनालिटिक्स का, इस पर आप क्लिक कीजिए, इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने ऐसा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये लिखा हुआ रियल टाइम व्यूज़, रियल टाइम व्यूज़ का मतलब दोस्तों ये है कि आपको है ना 48 घंटे में 1,000 व्यूज़ आपके चैनल में जुड़े हुए हैं, मतलब 48 घंटे में 1,000 बार आपकी वीडियो कोई ना कोई वीडियो चली हुई है, ऐसा नहीं कि एक ही वीडियो चली, कोई भी वीडियो चली हुई है लोगों ने देखी हुई है, 1,000 वीडियो मतलब 1,000 बार आपकी वीडियो चली हुई है, 1,000 लोगों ने देखा हुआ है आपकी वीडियो को 48 घंटे के अंदर अंदर, है दोस्तों। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपकी ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा रियल टाइम 48 आवर्स, है ना, तो इस पर तीर बना देख रहा होगा आपको दोस्तों, इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे रियल टाइम 16 मिनट, तो इस पर आप क्लिक करेंगे दोस्तों आपके लिए ओनली 1 घंटे का रिकॉर्ड दिखाया कर देगी, 1 घंटे में आपके कितने लोगों ने वीडियो देखी हुई है, तो 1 घंटे में दोस्तों आप देख सकते हैं मेरी वीडियो को 18 लोगों ने देखा हुआ है। अब दोस्तों आप देखेंगे 48 आवर्स पे 1,000 लोगों ने देखा हुआ है, अब उस पर आप क्लिक करेंगे 7 डेज में कितने लोगों ने मेरा देखा हुआ है, तो 7 डेज में मेरा है ना 3,500 इतने लोगों ने देखा हुआ है दोस्तों। अब आप ध्यान दीजिए, इस पर आपको लाल कलर का निशान देखने को मिल रहा है, इसका मतलब दोस्तों ये कि मेरा है ना इस हफ्ते जो मेरे व्यूज़ हैं है ना वो है ना 100 मतलब 150 के समथिंग नीचे गए हुए हैं, किसी कारण से मेरी वीडियो चल नहीं पाई है दोस्तों, इसका मतलब ये। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे पूरा चेक कर सकते हैं लाइफ टाइम तक का भी, महीने का भी, 90 दिन का, 365 दिन का, लाइफ टाइम का, ये आप है ना दोस्तों इसमें सब महीने के हिसाब से चेक कर सकते हैं, समझ गए होंगे आप ना दोस्तों, वेरी सिंपल है। अब बैक करेंगे अपन, अब दोस्तों आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है
रियल टाइम व्यूज़ लास्ट पब्लिश वीडियो। दोस्तों अपन ने जो भी वीडियो अपलोड की हुई है, मतलब अपनी 5-6 वीडियो जो भी होती हैं, जो जो लेटेस्ट वीडियो होती हैं अपनी, तो इसका मतलब है रियल टाइम व्यूज़ लास्ट पब्लिश वीडियो 48 आवर्स। तो दोस्तों ये आपको वो वीडियो दिखा रहा है जो आपकी 48 घंटे में नई वीडियो चली हुई है, जबकि लेटेस्ट वीडियो चार पाँच वीडियो है वो दिखा रहा है। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा वॉच टाइम मिनट का, है ना। ये वॉच टाइम मिनट का मतलब दोस्तों ये कि आपकी वीडियो कितना वॉच टाइम मिल रहा है। अब दोस्तों आप ध्यान देखेंगे, यहाँ पे दिखा रहा है 16,860 मिनट का मुझे वॉच टाइम पिछले 28 दिनों में मिला हुआ है। और यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों एक नीचे हरा कलर का निशान देखने को मिल रहा है, इस पर लिखा हुआ समथिंग 3,500 समथिंग लिखा हुआ है ना दोस्तों। तो इसमें क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये कि मेरा इस महीने का जो वॉच टाइम है वो 3,500 काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़ा हुआ, 26% वॉच टाइम मेरा बढ़ा हुआ पहले के पिछले महीने के मुकाबले। मतलब पिछले महीने के मुकाबले मेरी वीडियो को ज़्यादा लोगों ने देखा हुआ है, इसका मतलब ये। तो इससे मुझे ना 3,350 मिनट का मुझे वॉच टाइम एक्स्ट्रा मतलब मेरा चल रहा है, ऊपर चल रहा है, इसका मतलब ये। तो दोस्तों इसमें भी ये ऑप्शन है कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं, आप डेट बाई डेट भी चेक कर सकते हैं, मंथ भी चेक कर सकते हैं, वीक भी चेक कर सकते हैं, 48 घंटे चेक कर सकते हैं, 60 दिन की चेक भी कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं 60 मिनट का देखना हो तो इसमें मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे, है ना, मतलब 60 मिनट में मेरी वीडियो 18 मिनट चली हुई है। अब कौन सी वीडियो चली ये नहीं पता, ये सब वो दिखाता है कि आपकी कोई सी वीडियो चली हो टोटल वॉच टाइम है दिखाता है सभी वीडियो को मिला के। ऐसे ही आप 48 घंटे पर क्लिक करेंगे हमें दोस्तों आप देखेंगे जो वॉच टाइम है 1000, है ना, समथिंग 1083 समथिंग का मेरा वॉच टाइम देखने को मिल रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की, तो हम बात बैक कर देंगे। यहाँ दोस्तों आप देखिए इंच आपको एक व्यूज़ का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो व्यूज़ के बारे में इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों ये भी है कि आपके जो व्यूज़ चल रहे हैं वो आपको 28 दिन में 15,180 के समथिंग व्यूज़ आपको यहाँ पे मिले हुए हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे। रियल टाइम व्यूज़ है ना, लाइफ टाइम व्यूज़ पूरा लिखा हुआ है, आप अपने साथ चेक कर सकते हैं। अब बैक करेंगे, अब देखिए दोस्तों ये देखिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एवरेज व्यू डायरेक्शन, तो आपकी जो वीडियो है वो समथिंग 1 मिनट तक लोग आपकी देख रहे हैं, है ना, 28 दिन का बता रहा है। अगर आप क्लिक कीजिए ना, 28 दिन के अंदर आपकी जो वीडियो का व्यू डायरेक्शन है वो 1 मिनट समथिंग का है। इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि मान लो अगर आपके चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर हैं और 10,000 सब्सक्राइबर में अभी मतलब जो वीडियो लोगों ने देखी है तो आपकी वीडियो 1 मिनट का ही देखी, ऐसा नहीं है। वो एक एवरेज बताता है कि अगर ऐसे मान लो मेरी वीडियो है, मेरी वीडियो को 5 लोगों ने फुल देखा हुआ है और 5 लोगों ने किसी ने 1 मिनट देखा, किसी ने 30 सेकंड देखा और किसी ने खोल के बंद कर दिया, तो पूरा एवरेज मिला के बताता है अपन के लिए कि आपकी जो वीडियो है वो 1 मिनट 6 सेकंड तक आपकी चली हुई है। जितनी आपकी चली होगी आपको आपका बताएगा ना दोस्तों। आप देखिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप अपने हिसाब से भी चेक कर सकते हैं, 60 मिनट की, 48 आवर्स की, है ना, लास्ट डे की, 90 दिन की, 95 दिन की, लाइफ टाइम की, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। है दोस्तों अब बात बैक करेंगे, अब दूसरे पॉइंट पर आएंगे। अब से यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ये रेवेन्यू का। दोस्तों ये आप लोगों के शायद हो भी या नहीं भी मैं नहीं कह सकता, ये सिर्फ उन लोगों के चैनल में रहेगा जिनका मोनेटाइजेशन इनेबल हो चुका है। तो उस पर क्लिक करना है आपको, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको रेवेन्यू दिखाई देगा, जैसे कि इसमें दिखा रहा है इतना रेवेन्यू दिखा रहा है मेरा, तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं 28 दिन का, 7 डेज का, 90 दिन का, 365 दिन का, मई ये चेक कर सकते हैं कितने पैसे आपको मिले हुए हैं। तो ये समथिंग बता रहा है $166 बता रहा है, इसका आप 75 से गुणा कर देंगे समथिंग 8-9 हज़ार समथिंग बनेगा ये रेवेन्यू, मतलब पैसे बता रहा है इतने पैसे अपने इस पर कमाए हुए हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा आपके लिए सब्सक्राइबर का, सब्सक्राइबर का मतलब दोस्तों ये है कि यहाँ पे आपके सब्सक्राइबर कितनी स्पीड से ऊपर चल रहे हैं। तो अभी आपके सब्सक्राइबर जो आपके बड़े हुए हैं मतलब 28 दिन में मतलब 150 के समथिंग सब्सक्राइबर बढ़े हुए हैं और 45+ सब्सक्राइबर आपके एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं पहले के मुकाबले। तो यहाँ भी आप दोस्तों अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं, डे के हिसाब से, दिन के हिसाब से चेक कर सकते हैं। दोस्तों अब बे करेंगे अपन, है दोस्तों अब ये दोस्तों देखिए लाइक वर्सेस डिसलाइक का आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको है ना ये उनका बता रहा है, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, है ना, लास्ट 28 दिन में ये पूरा बता रहा है कितने कितने पड़े हुए हैं। अपनी चाहेंगे ये टॉप वीडियो, दोस्तों आपकी टॉप वीडियो चैनल की, जो आपकी चैनल की जो टॉप वीडियो इस महीने चली हुई है, तो ये सभी वीडियो यहाँ दिखा रहा है, आप देख सकते हैं, है ना, पढ़ लीजिएगा। आपको सिर्फ मैं चाहिए बताया था, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। दोस्तों रेवेन्यू का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अपन, तो ये रेवेन्यू के बारे में बता रहा है दोस्तों। रेवेन्यू का मतलब ये है कि देखिए ओवरव्यू में मतलब ये सब बता रहा है, आपने देख लिया। अब रेवेन्यू में आएंगे अपन, तो यहाँ देखिए दोस्तों ये 28 दिन का पैसा बता रहा है ना, प्लेबैक बता रहा है ना, एड टाइप बता रहा है कि वीडियो में कौन कौन से एड चले हुए हैं, इसके बाद एड चले हुए हैं, डिस्प्ले एड चले हुए हैं, बम्पर एड चले हुए हैं, है ना, और टॉप अर्निंग वीडियो बता रहा है कि आपकी जो 28 दिन की जो वीडियो है उनमें से किस वीडियो ने कितने रुपए कमाए हुए हैं, ये पूरा इसमें दिखाता है कि भाई आपकी कौन सी वीडियो ने कितने रुपए कमाए हुए हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर लाइफ टाइम वाली भी क्लिक करके देख सकते हैं कि आपकी कौन सी वीडियो ने कितने रुपए कमाए हुए हैं। तो यहाँ आपके लिए सभी वीडियो की डिटेल मिल जाएगी, आपकी किस वीडियो में कितने रुपए कमाए हुए हैं। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ देखिए आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा टॉप कंट्री वाइज सी
पीएम, इसका मतलब दोस्तों एक सीपीएम का मतलब होता है कि कोस्ट पर रेट। आप मान लीजिए आप एग्जाम्पल के लिए कि अपन को किस कितना रुपए पैसे मिल रहा है पर रेट के, तो यहाँ बता रहा है 53, मतलब 0.53 डॉलर अपन को पर रेट के अपन को यहाँ मिल रहा है, ये सीपीपी अपन को ली मिल रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है मतलब कितने रुपये हमको ऐड के मिल रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं डिस्कवरी की, डिस्कवरी पे क्लिक करेंगे अपन। यहाँ आप देखेंगे दोस्तों इंप्रेशन, तो इंप्रेशन जो बता रहा है 2 लाख समथिंग बता रहा है। इंप्रेशन का मतलब ये होता है दोस्तों कि अपन यूट्यूब पर वीडियो सर्च करते हैं, जैसे मान लीजिए आप सर्च करते हैं जादू, तो मान लीजिए दोस्तों जादू में जो वीडियो यूट्यूब पर दिखाई देती है काफ़ी सारी, तो उनका मतलब ये होता है कि वो इंप्रेशन होते हैं। जो अपन वीडियो देखते हैं कि भाई मिसाल में बहुत सारी वीडियो देखने को मिल रही हैं, हज़ारों वीडियो, लेकिन अपन क्लिक किस पे करते हैं वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन इंप्रेशन होता है कि यूट्यूब ने आपकी वीडियो को प्रमोट कर रही है कि आप उसमें आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है 28 दिन के अंदर आपका जो यूट्यूब की जो वीडियो है यूट्यूब ने 2 लाख लोगों तक पहुँचाई हुई है ना, मतलब 2 लाख लोगों की स्क्रीन पर दिखाई हुई है। जैसे लोगों ने सर्च करा मुझे जादू सीखना है, जादू सीखें मैजिक, तो मेरी मैजिक की वीडियो है तो यूट्यूब में दिखाई हुई है, लेकिन लोगों ने क्लिक कितनी वीडियो पर करा तो हम देखेंगे दोस्तों ये लिखा हुआ है इंप्रेशन क्लिक टू रेट। इसका मतलब है कि आपकी वीडियो में 4.2 लोगों ने क्लिक करा है, मतलब 2 लाख लोगों को यूट्यूब में वीडियो दिखाई हुई है मतलब स्क्रीन पर सर्चिंग में, लेकिन उसके बाद आपकी वीडियो पर क्लिक कितने लोगों ने करा हुआ है 4.2 में लोगों ने क्लिक करा हुआ है। दोस्तों अपने भी आप इंप्रेशन देखिएगा कितने आपके इंप्रेशन हो रहे हैं, जितने ज़्यादा आपके इंप्रेशन बढ़ेंगे उतने ही ज़्यादा आपके व्यूज़ बढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए एक सिंपल भाषा में समझिए, आपने एक वीडियो बनाई है अपकमिंग मूवी है दोस्तों, अब YouTube के पास बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, अब अगर मैं लोगों को व्यक्ति सर्च करेगा अपकमिंग मूवी तो सभी लोगों की वीडियो YouTube वहाँ पर दिखाता है सर्चिंग में, जिस पर ज़्यादा व्यूज़ होते हैं वो भी दिखाता है, जो नहीं होती वो भी दिखाता है। अब मान लीजिए दोस्तों जिसकी वीडियो का टाइटल अच्छा होता है, टैग अच्छे होते हैं, थंबनेल अच्छे होते हैं, तो थंबनेल देख के लोग उस वीडियो पर क्लिक कर देते हैं, थंबनेल देख के क्लिक करते हैं, ना कि नाम पढ़ के क्लिक करते हैं ना ही टाइटल देख के क्लिक करते हैं, थंबनेल देख के क्लिक कर देते हैं और सीधा आपकी वीडियो देखते हैं, उसको बोलते हैं इंप्रेशन क्लिक टू रेट है ना दोस्तों, ये समझ लीजिए आपने। अब दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ ट्रैफिक सोर्सेस टाइप है ना, इसका मतलब दोस्तों देखिए आपकी जो वीडियो है कहाँ कहाँ से आपकी वीडियो पे ट्रैफिक आ रहा है, तो आप देखेंगे यूट्यूब सर्च से आपके लिए 16% का ट्रैफिक मिल रहा है। एक्सटर्नल मतलब कि अब पता नहीं कहीं कहीं से वेबसाइट के थ्रू आ रहा है, गूगल मूवीज आ रहा है, उसका मतलब एक्सटर्नल होता है। सजेस्टेड वीडियो मतलब दोस्तों ये अपन कोई वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर प्ले करते हैं, अपने मोबाइल में अपन देखते हैं नीचे कुछ और वीडियो देखने लगती हैं तो उसको सजेस्टेड वीडियो बोलते हैं। और चैनल पेज से मतलब दोस्तों जैसे कि मान लो आपके चैनल को खोल के लोगों ने वीडियो देखी हुई है उसको चैनल पेजेस बोलते हैं, अदर का मतलब पता नहीं कहीं कहीं से आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे टॉप एक्सटर्नल सोर्सेज, तो दोस्तों ये टॉप आपके लिए बता रहा है कि आपके लिए ज़्यादा सर्चेस कहाँ से मिल रहा है। तो हाँ देखिए दोस्तों, तो यहाँ लिखा रहा है गूगल सर्च से आपकी ट्रैफिक आ रहा है, लोग आपकी वीडियो को देख रहे हैं, व्हाट्सअप से देख रहे हैं आपकी वीडियो को है ना, गूगल को से देख रहे हैं, सैमसंग इंटरनेट फॉर एंड्रॉइड से देख रहे हैं, ये सब दिखा रहा है। अब से यहाँ देखिए, यहाँ दिखाएगा टॉप यूट्यूब सर्चेस आइटम कि आपकी जो कौन सी वीडियो है जो चल रही है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी कौन सी वीडियो है जो मतलब YouTube सर्च में आ रही जादू है। तो आप देखिए यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे मेरा लिखा हुआ है हवा में उड़ने का जादू, ये लोग सर्च कर रहे हैं और इसमें मैंने वीडियो बनाई हुई है तो इसलिए मेरी वीडियो दिख रही है, आग का जादू, तो देखो ये सर्च कर रहे हैं लोग लो नेट पे और मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई है दोस्तों, तो ये मेरी वीडियो सर्चिंग में आ रही है, मतलब ये वीडियो मेरी दिख रही है। अगर मैं इन टॉपिक पे और भी वीडियो बनाऊंगा तो वो भी मेरी वीडियो दोस्तों यूट्यूब प्रमोट करेगा ज़्यादा और मुझे ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे अगर मैं इन टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा, तो ये बता था टॉप सर्चेस आइटम। तो दोस्तों आपकी कौन सी आपके चैनल पर 50 वीडियो पड़ी हुई हैं और 50 वीडियो में से कौन सी वीडियो आपकी लोग देख रहे हैं, सर्च कौन सी वीडियो ज़्यादा सर्च हो रही है, तो आप यहाँ से पता लगा सकते हैं। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप वीडियो है ना सजेस्टेड योर कंटेंट, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे दोस्तों मेरी जो वीडियो है जो लोगों के सजेशन में आई हुई है, ऐसा देखिए दोस्तों ये लिखा हुआ है छछुंदर भगाने के तरीके, किसी ने ये वीडियो बनाई होगी, जब किसी ने वो वीडियो प्ले करी होगी तो दोस्तों उसमें मेरी वीडियो भी दिखाई दे रही होगी, नीचे दिखा रही होगी, साइड में दिखा रही होगी, तो यहाँ से ही मुझे ट्रैफिक मिला हुआ है। अब दोस्तों इसमें लिखा हुआ है नारियल में आग लगाने का जादू, ये भी मेरी वीडियो, ये भी सजेशन में आई हुई है, ये किसके सजेशन में आई हुई है देखते हैं। देखो इस पर क्लिक करेंगे आप तो आप देखेंगे, वेट करते थोड़ा सा, ये देखिए दोस्तों ये मेरी वीडियो है, तो ये दोस्तों ये सब वीडियो मेरी सजेशन में आ रही है, जैसे अगर प्ले करके देखते हैं अपन, एक मिनट दोस्तों ये वीडियो दिखाता हूँ आपके लिए मैं, देखिए दोस्तों ये किसी ने वीडियो बनाई हुई है छिपकली और सचुंदर धन, ये किसी ने वीडियो बनाई है इसके दोस्त सचुन इसके ना देखिए इसके देखिए दोस्तों ये आप देख रहे हैं, ये किसी ने वीडियो बनाई हुई है छिपकली और सचुंदर दिए धन, जो भी लिखा पढ़ने में नहीं आ रहा मेरे को दोस्तों, अभी चाहिए सजेशन का मतलब ये दोस्तों देखिए यहाँ पर मेरी वीडियो देखने को मिल रही होगी, देखिए लिखा है जिस घर में सजेंद्र घूमती है उस घर में लक्ष्मी जी का वास आशीर्वाद होता है, देखिए दोस्तों इसका मतलब सजेशन होता है, तो ये सब मेरी वीडियो दोस्तों सजेशन वीडियो में आ रही है ना दोस्तों, इसको सजेशन वीडियो बोलते हैं,
समझ गए होंगे आप पूरा, दोस्तों बहुत सारी वीडियो आती रहती हैं। तो इस तरीके से अभी आती कैसे दोस्तों, इसके लिए मैंने वीडियो बनाई, आप देख लीजिए रन कर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी वीडियो पे इतना ट्रैफिक सर्च से नहीं आता है, अपन शेयर भी करेंगे तब भी नहीं आएगा, आपकी वीडियो सजेशन वीडियो में जाएगी दोस्तों, आपकी वीडियो बहुत अनलिमिटेड ट्रैफिक आएगा, मतलब इतने व्यूज़ गेन कर लेंगे, कुछ पूछिए मत। सजेशन में वीडियो कैसे आती है उसके लिए मैंने वीडियो बनाई, आप देखिए मेरे चैनल पड़ी हुई है जिसका नाम दोस्तों है यूट्यूब एल्गोरिथम, एक वो वीडियो एक पे लिखा हुआ है यूट्यूब में अपनी वीडियो को यूट्यूब रिकमेंड वीडियो सजेशन वीडियो में कैसे लिखा है वो देख लीजिएगा। ठीक दोस्तों, अब यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टॉप प्लेलिस्ट प्लेइंग योर कंटेंट, मतलब मेरी चैनल में जो भी प्लेलिस्ट बनाई हुई है दोस्तों, तो ये प्लेलिस्ट का बता रहा कि मेरी कौन सी प्लेलिस्ट कौन सी वाली प्लेलिस्ट को लोगों ने सर्च करा हुआ है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये प्लेलिस्ट पे अगर आप बनाएंगे तो आपकी लिस्ट भी आपके व्यूज़ बढ़ेंगी, मेरी गारंटी को। क्या होता है कई बार कुछ वीडियो अपन डालते हैं अगर प्लेलिस्ट बना के रखते हैं तो यूट्यूब उनको भी कई लोगों को शेयर करता है, तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है, मैंने देखा हुआ है इस चीज़ से। तो अपने चैनल पर प्लेलिस्ट को मैनेज कीजिएगा अलग तरीके की। अब मान लो आपने एग्जाम्पल आपने कोई वीडियो बनाई बॉलीवुड अपकमिंग मूवी, आपने 10 वीडियो बनाई, तो आप है ना एक प्लेलिस्ट बनाइए बॉलीवुड अपकमिंग मूवी, एक प्लेलिस्ट हो गई, उसमें सभी वीडियो को ऐड कर दीजिए। आपने किसी अलग टॉपिक पर वीडियो बनाई 5-6, तो उनको अलग अलग प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए। इस तरीके से तो अपनी जिस भी कैटेगरी का भी वीडियो है उस कैटेगरी के हिसाब से आप प्लेलिस्ट बनाइएगा दोस्तों। ये पूरा डिस्क्रिप्शन अपना कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों अपन बात करेंगे ऑडियंस पे, ऑडियंस पे दोस्तों आप ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है जेंडर, है ना, तो यहाँ देखिए इसका मतलब मेल फीमेल, तो आपकी कितने परसेंट लोग आपके लड़के देख रहे हैं, कितने परसेंट लड़कियाँ देख रही हैं। तो यहाँ लिखा रहा है लड़के लोग मेरी वीडियो 70% देख रहे हैं और लड़की लोग मेरी वीडियो 22% देख रही हैं 28 दिन के अंदर। तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं 28 दिन का 7 दिन का, यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं कितने दिन का लोगों ने आपकी वीडियो कौन ज्यादा लोग देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखा हुआ एज, एज का मतलब दोस्तों ये कि आपकी वीडियो कितने उम्र के लोग देख रहे हैं। तो मेरी जो वीडियो है वो 18 से 24 साल के लोग देख रहे हैं, 25 से 34 साल के देख रहे हैं, है ना दोस्तों, 45 से 54 साल के लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों आपकी जो भी वीडियो है जिस भी कैटेगरी से रिलेटेड होंगी और कितनी एज के लोग उसको देख रहे हैं, तो यहाँ से पता लगा सकते हैं कि आपकी वीडियो लड़के लोग ज्यादा देख रहे हैं, लड़की ज्यादा देख रही हैं, और कितनी एज के लोग आपकी वीडियो देखना पसंद कर रहे हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं। अब दोस्तों आप नीचे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टॉप कंट्री पे क्लिक कीजिए, आपकी जो वीडियो है कहाँ कहाँ चल रही हैं। इंडिया में दोस्तों 94% चल रही है, पाकिस्तान में 0.8% चल रही है, अदर कंट्री में दोस्तों आप देखेंगे 43% चल रही है। आप कंट्री पता कर सकते हैं कि वीडियो किस किस कंट्री में देखी जा रही है इंडिया के अलावा, ये पता कर सकते हैं। और सो ये है सब्सिडी लैंग्वेज, इसका मतलब ये होता है कि जो कोई वीडियो देखते हैं, सपोज कीजिए कि आप कोई मूवी देख रहे हैं, मतलब कि हिंदी की देख रहे हैं, जब अपन देखते हैं तो वो लिखा आता है ब्लैक ब्लैक पट्टी में इंग्लिश में लिखा आता है, चाहे मैं देखा हो कई बार फिल्मों में, तो उसको ही बोलते हैं लैंग्वेज, आप ऐड करना पड़ती है अपने कंप्यूटर से ऐड होती है बना के पूरा स्क्रिप्ट के साथ। तो ये सब छोड़ दीजिए, अब दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर नीचे नेक्स्ट चीज़ पे। तो सबसे देखिए लिखा हुआ है टेजर क्लिक पर कार टेजर, तो ये सब दोस्तों आपके काम की चीज़ नहीं है, इसका मतलब ये कि मैं आपको बता देता हूँ, जो आई बटन होता है आप समझ लीजिए, आई बटन को ही बोलते हैं कार्ड। तो आपकी वीडियो पे कितने लोग क्लिक कर रहे हैं, तो इसका मतलब है दोस्तों आपकी वीडियो पे 1.4% की स्पीड से आपकी वीडियो पे क्लिक हो रहे हैं ऊपरी, जो पिछले महीने के हिसाब से कार पर शो डाउन नीचे हो रहे हैं मेरे टॉप कार्ड, मतलब मेरे जो आई बटन लगे हुए हैं, आई बटन का मतलब होता है कार्ड। तो आप देखिए दोस्तों मेरी टॉप मतलब आई बटन क्लिक करे हैं लोगों ने, वो इन वीडियो पर क्लिक करे हुए हैं लोगों ने मेरी वीडियो पर ना, यहाँ देखिए पूरा लिखा हुआ है, बाकी कुछ मतलब नहीं है। प्लेलिस्ट पर जाते हैं अपन, अब प्लेलिस्ट पर आप देखेंगे दोस्तों कि नंबर ऑफ टाइम प्लेलिस्ट, ये पूरा लिखा हुआ कौन सी प्लेलिस्ट कितनी चली है, कितनी चली प्लेलिस्ट सबके लिए कितने व्यूज़ मिला है यहाँ पर लिखा रहा है ना, एवरेज टाइम इन प्लेलिस्ट ये पूरा लिखा रहा है, टॉप प्लेलिस्ट कौन कौन सी वीडियो पे ज्यादा चली हुई है, कौन कौन सी प्लेलिस्ट सबकी ज्यादा चली हुई है पूरा आ रहा है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं मैंने पूरा आपको बता दिया है, इसमें कोई ऑप्शन अगर देखता हूँ होगा तो दोस्तों अब तो कोई ऑप्शन इसमें नहीं दिख रहा आपके लिए। दोस्तों अभी तक जो मैंने आपको बताया वो यूट्यूब स्टूडियो के जो ऑप्शन है उन सभी के बारे में बता दिया है, अब मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपने यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर और व्यूज़ काफ़ी जल्दी बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए 3 रोड पर क्लिक कर देना, आपको आना एनालिटिक्स पे, एनालिटिक्स पे आ जाने के बाद आपको ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आपको है ना आपके वॉच टाइम को देखते रहना, ये देखो वॉच टाइम आपका ऊपर जा रहा है ना, आपको क्लिक करना है इस पे और 7 डे पे क्लिक करना दोस्तों, ये देखिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपका माइनस में नहीं आना चाहिए, ध्यान रखिएगा इस पर बिल्कुल भी, कि अगर आपका माइनस में अगर जा रहा हो कुछ भी तो उसको आप प्लस कीजिएगा, पहली टिप दोस्तों ये है ना। अब मैं आपको दूसरी टिप बताऊँगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा उस चीज़ पर कि आपको आ जाना है यहाँ पे, ये टॉप 18 वीडियो लिखा है, टॉप 28
डेज वीडियो। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आपके 28 दिन में जितने भी चैनल वीडियो पड़ी हुई है, अगर आप मान लो 100 वीडियो बनाई है, तो 100 वीडियो में से 28 दिन में जिन टॉपिक पर वीडियो चली हुई है, आपको उन्हीं टॉपिक को, मतलब 5 वीडियो दिख रही है आपकी, तो इन्हीं 5 टॉपिक को पकड़ के आपको दूसरी वीडियो बना देना है, तो आपकी वो वीडियो भी चलना ही चलना है। मतलब कि अगर आपने 100 वीडियो बना रखी है, तो 100 वीडियो में से पूरे यूट्यूब चैनल पर ऐसी कुछ वीडियो होंगी जो आपके 28 दिन में सबसे ज़्यादा चली होंगी। तो आपको देखना है यहाँ पर टॉप वीडियो में कौन कौन सी वीडियो चली है आपकी, नाम देख लीजिएगा, नाम लिखाएंगे यहाँ पर जैसे मेरी चली हुई है। अगर आप इन टॉपिक पर कोई भी वीडियो बनाते हैं, तो वो भी वीडियो आपकी डेफिनेटली चलेगी, भले उसको आप शेयर करें या ना करें। दोस्तों आप दूसरा ऑप्शन की बात करेंगे डिस्कवरी। ये डिस्कवरी देखिए, डिस्कवरी का मतलब होता है इंप्रेशन। देखिए इंप्रेशन का मतलब होता है कि यूट्यूब आपकी वीडियो को कितने लोगों तक दिखा रहा है ना। यूट्यूब दोस्तों मेरी वीडियो को एक महीने में समथिंग 2.5 लाख लोगों तक मेरी वीडियो को दिखा रहा है, जिसमें से है ना इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट आप देख रहे हैं, जिसमें से 4.2% लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं। मतलब कि इंप्रेशन का मतलब दोस्तों ये होता है कि अपन यूट्यूब पर सर्च करते हैं कोई भी वीडियो, तो काफ़ी सारी वीडियो अपने सामने आती हैं, है ना, सभी लोगों की वीडियो आती है, तो उसको बोलते हैं इंप्रेशन। और जब वीडियो सामने आती है, अपन किसी वीडियो पर क्लिक करते हैं, तो अपन क्या उसको बोलते हैं क्लिक थ्रू रेट, इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपकी वीडियो का थंबनेल अच्छा होगा, यूट्यूब आपकी वीडियो प्रमोट तो करता है, लेकिन आपकी वीडियो का थंबनेल जितना अच्छा होगा, तभी लोग आपकी वीडियो पर क्लिक करेंगे, और आपका इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट है ना दोस्तों, जितना ज़्यादा होगा उतने ही ज़्यादा आपके व्यूज़ दोस्तों देखने को मिलेंगे आपको, मतलब बढ़ते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ध्यान दीजिए, इसमें एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा ट्रैफिक सोर्सेज टाइप और टॉप एक्सटर्नल ट्रैफिक सोर्सेज, दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों आप ध्यान दीजिए, जब भी अगर आप मान लीजिए आपका यूट्यूब सर्च से अगर ट्रैफिक आना चालू हो गया चैनल पर, जैसे आप देख रहे हैं यूट्यूब सर्च से मेरा 70.73% मेरा ट्रैफिक आ रहा है, मतलब 70.3% मेरा यूट्यूब सर्च से ट्रैफिक आ रहा है, और सर्च वीडियो से ब्राउज फीचर से। दोस्तों अगर आपका ट्रैफिक यूट्यूब सर्च से आना चालू हो गया है, तो आपके चैनल को ग्रो होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है दोस्तों, पहली चीज़। दूसरी, आपकी वीडियो वीडियो और ब्राउज फीचर में जरूर आना चाहिए दोस्तों, अगर नहीं आएंगी तो आपको वो लॉस हो सकता है, क्योंकि जितने व्यूज अपन को सर्च से नहीं आते, उससे कई ज्यादा गुना अपन को वीडियो की व्यूज सजेस्टेड वीडियो और ब्राउज फीचर से आते हैं। अब ये सजेस्टेड वीडियो में अपनी वीडियो कैसे लेके आते हैं और ब्राउज फीचर में कैसे लेके आते हैं, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पर देख लीजिएगा। उनके नाम है अपनी वीडियो को रिकमेंड वीडियो सजेस्टेड वीडियो में कैसे लेके आएँ और यूट्यूब एल्गोरिथम 2020, दो वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप वो देख लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ टॉप एक्सटर्नल सर्चेज, दोस्तों यहाँ देखिए व्हाट्सअप बता रहा है 48%। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है, हमेशा आपका जो ये यूट्यूब सर्च का जो आपका ज़्यादा होना चाहिए और व्हाट्सअप का हमेशा कम होना चाहिए, ये सभी सोशल मीडिया साइटों को यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे आपको, व्हाट्सअप, एंड्रॉइड मैनेजर, व्हाट्सअप बिजनेस। दोस्तों क्या है, आपका यहाँ पर ट्रैफिक कभी भी 33-35% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, हमेशा आपका ट्रैफिक यूट्यूब सर्च से आना ही चाहिए दोस्तों। हालांकि होता कुछ भी नहीं है, लेकिन इससे दिक्कत बहुत होती है दोस्तों। जैसे मान लीजिए अगर आप अपनी वीडियो का ज़्यादा प्रमोट करेंगे व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह पे, तो आपका यूट्यूब सबसे ट्रैफिक कम हो जाएगा और यूट्यूब की वीडियो को प्रमोट करना कम कर देगा, क्योंकि वो सोचेगा तब आप लोग ही कर लेंगे प्रमोट, तो फिर वो क्यों हेल्प करें आपकी, उससे आगे भी बहुत दिक्कत आती है। इसलिए हमें ध्यान रखिएगा, आपका एक्सटर्नल ट्रैफिक सोर्सेज दोस्तों है ना 34 तक ही रहना चाहिए व्हाट्सअप का, मतलब 34 से ऊपर नहीं जाना चाहिए 35 से, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, है ना। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आपका दोस्तों यूट्यूब सर्च से आना चाहिए और ब्राउज फीचर सर्च से वीडियो से। अब दोस्तों एक और मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको आना दोस्तों आपकी टॉप वीडियो सजेस्टेड कंटेंट। दोस्तों ये तो वो है अपनी, इसमें एक और चीज़ दिखाता हूँ आपके लिए, रुक जाइए एक मिनट, आपको यहाँ पे दोस्तों देख लेना है, आपको एक चीज़ दिखाऊंगा आपके लिए। आप जाइए अपने वीडियो में आइए, वीडियो में आने पर दोस्तों करना क्या है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है इस 3 लाइन पे क्लिक करेंगे और मोस्ट व्यू वीडियो क्लिक कीजिएगा। दोस्तों आपको इन सभी वीडियो में आपको वो वीडियो देखना है जो आपकी सबसे ज़्यादा चली हुई है। मान लीजिए जैसे मेरी वीडियो चली हुई ZAGL मेरी बहुत लोगों ने देखी हुई है 1-1.5 महीने के अंदर। दोस्तों आपको अपने चैनल वीडियो फाइंड करना कि आपकी कौन सी ऐसी वीडियो है जो ज़्यादा लोगों ने देखी हुई है, भले ही वो 100 लोगों ने देखी हो या 200 लोगों ने देखी हो, सबसे ज़्यादा वाली वीडियो जो आपकी लोगों ने देखी है उसी टॉपिक पर दोस्तों आपको एक वीडियो बना देना है, आपकी वो वीडियो भी आराम से वायरल हो जाएगी विदाउट शेयर करें, आपको कहीं भी कुछ भी नहीं करना दोस्तों। दोस्तों अब ये सब जानकारी मैं आपको बता दी पूरी, और कोई भी दिक्कत आप मुझे बताइएगा। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी जानकारी मिली हो, कुछ भी सीखने को मिला हो, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, और जो भी भाई बंधु हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, और दोस्तों प्लीज अपनी राय इस वीडियो के बारे में कमेंट के माध्यम से जरूर हम तक पहुंचाइएगा, और जो भी आपको सीखना हो उसके बारे में कमेंट कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को हमारी लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में, जय माता दी।